लड़कियों तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, अब भाभियों की बारी है। टू लाइन्स भाभियों के नाम। जब इश्क की बीमारी लगती है तो हम जैसे लौंडो को तीन बच्चों की माँ भी कुवारी लगती है। और भाई कैसा है? बस बढ़िया भाई। भाई मिल मेरी होने वाली बीवी से, कमला नाम है इसका। नमस्ते भाभी जी। चल भाई मैं निकलता हूँ ना। हाँ। अरे भैया कमला पसंद है क्या? अरे भैया मुझे तो पसंद है, पर कमला से ही पूछ लो। तेरी बीवी को समझा दे मुझसे ज्यादा जबान नहीं लड़ाए। तुम्हारी मम्मी को बोल दो मुझसे ज्यादा काम ना कराए। मम्मी जान दो ना यार। तुझे मैंने पैदा करी कि उसने पैदा करी? बेबी तुम तो थोड़ा समझो। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ कि तुम अपना घर छोड़ के आए हो? अरे मेहमान आ गए। हाय। अरे मेरी सासू माँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। अरे तू काम करके थक जाती होगी ना। आपकी सेवा के लिए कुछ भी। ओ भाई मारो मुझे, मारो। चल जानो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? सुनो जी, आपको पता है शर्मा जी जब ऑफिस जाते हैं ना तो अपनी बीवी का किस करके जाते हैं, तुम क्यों नहीं लेते? अबे यार शर्मा जी वकील हैं, उनकी बीवी का अगर मैंने किस ले लिया ना, मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, मेरा पिछवाड़ा लाल कर देंगे बंदर की तरह साड़ी। हरामखोर, मैं अपनी बात कर रही हूँ। भाई लॉकडाउन में एक चीज का पता तो लग गया, बीवियों को घर में काम बहुत होता है, बेचारी थक जाती हैं, इसलिए दो होनी चाहिए। हेलो दामाद जी। हाँ बोलिए ससुर जी। तुमने बताया नहीं कि तुम दारू पीते हो? तो आपने कौन सा बताया था कि आपकी बेटी खून पीती है? हाय प्रीति, कैसी है? अच्छी हूँ, पीछे कौन है? ये मेरा भाई है, कुछ बोलना। आई लव यू। पहले बाबू ने खाना खाया क्या? क्यों बर्तन मांजने जाएगी क्या? हेलो। अबे किसको बोला? अबे फोन पे बात कर रहा हूँ ना। अबे मेरे को लगा मेरे को बोला होगा। अबे तेको क्यों बोलूंगा सेमड़ी, चल निकल यहाँ से, नाक साफ कर क्या साली खड़दुल्ली है। अबे यार एक बात बता, जिंदगी में अकेले रहना चाहिए या दोस्त बनाने चाहिए? चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। बीवी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ना मिले, और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि बीवी कंबल में ना मिले। अरे भैया ये दारू की दुकान कितनी दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। थैंक यू भैया। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? दारू लेने। अरे तो लाइन में लगो ना। चल बेटा आरिश खड़ा हो, एक सवाल का जवाब दे। वंदना एक बदतमीज लड़की है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता। ओ सर वंदना के बारे में कहीं गलत नहीं बोलोगा, हमारी सेटिंग है वहाँ, इंग्लिश की तेल लेवा। ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। बाबा जी प्रणाम। जिधर हो बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा जी मेरे भाई के दस्त नहीं रुक रहे हैं, कोई उपाय बताइए ना। अरे बच्चा तू उसे ये लाल चड्डी दे देना। इससे क्या होगा? अरे बच्चा तू कितनी नादान है, जब लाल रंग के कपड़े से इतनी बड़ी ट्रेन रुक जाती है तो तेरे भाई के दस्त नहीं रुकेंगे। अलाख निरंजन। भैया अंडे है? है ना। सोके देना। एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी अनपढ़ बीवी को दिल्ली घुमाने लेके गया। दिल्ली में कुतुब मीनार दिखा के बोलता है देखो ये लाल किला है, तो उसकी बीवी बोलती है ये तो कुतुब मीनार की तरह दिख रहा है। तो पति उसे खींच के चाटा मारता है और बोलता है मैंने बोला कि ये लाल किला है तो ये लाल किला है, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो या मैं ज्यादा बाहर रहता हूँ या तुम। बेचारी बीवी शांति से सुनती रही और जब अपने घर आए दूसरे दिन पति बोलता है कि मुझे आलू का पराठा दे दो, तो बीवी भी बड़ी चालाक थी, उसने रोटी में घी लगाया और उसे दे दिया। तो पति बोलता है ये क्या, ये तो सादा रोटी है। तो वो भी अपने पति को खींच के चाटा मारती है और बोलती है किचन में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तुम या मैं। मैंने बोल दिया ना ये आलू का पराठा है तो आलू का पराठा है, चुपचाप खा लो। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं, अनपढ़ बीवी हो या पढ़ी लिखी अकल सब में होती।
जानू तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे मेरी जान, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ ना जितना शाहजहान ने मुमताज से नहीं किया होगा। अच्छा, तुम भी मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवा दोगे? ताजमहल क्या चीज है, मैं इससे भी बड़ी इमारत बनवा दूंगा। मुमताज तो मर के दफन हुई थी, मैं तुझे जिंदा ही दफना दूंगा। आई लव यू। औकात देख कर बात किया कर। औकात की बात मत कर तुम्हें।